सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडी होस्ट सोनिया पाटिया। सेहत दा राखा प्रोग्राम दे विच असी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। अज असी तुहाडी मुलाकात करवावांगे डॉक्टर सुरिंदर तालिब शास्त्री जी दे नाल, जो कि आयुर्वेदिक दे महान डॉक्टर हन, जो कि लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज दे वाइस प्रिंसिपल रह चुके हन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, अज तुसी सानू दसो कि सब तो पहला कि आयुर्वेद की है। देखो जी, आयुर्वेदिक वेदा का उपांग वेद है, ऋग वेद के विचों निकलिया और इस तरह बनया। इतिहास यह कहता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो धरती की उत्पत्ति हुई है, बाणी जी भी आंदा एक माई युग जाए तीन चेले प्रवान, एक संसारिक भंडारी कला दवान। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो अपने काम का संचालन करते थे, सब कुछ है ना, भी निर्णय करके उन्होंने आयुर्वेद अगों दक्ष प्रजापति इस काम सिखाया। दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार जो ब्रह्मा के लड़के से उन्होंने काम सिखाया, अगो एक पीढ़ी तो पढ़ तीढ़ चलती रही। इंद्र देवता, इंद्र देवता तो अगो धनवंतरी जी, इस तरह मैं आयुर्वेद का इतिहास दसदा। हूँ एक आयुर्वेद का असल प्रयोजन की है, आयुर्वेद का प्रयोजन है कि आयु हितम, आयु के हित लिए कि आयु सुखद किवें रह सकती है, वह एक जो उपदेश है वह आयुर्वेद है। ठीक है, हूँ लाने प्रयोजन, प्रयोजन यह है कि जेडे आयुर्वेद दुख सुख के हितकार कि चीज़ साढ़े हित रही है, कि दुख तो सुख को बदलने वाली है, कि ऐसी चीज़ा ने आयुर्वेद उसको कहा जाता है। आयुर्वेद का आधार जरा जी गल पूछनी चाहिए सी, आयुर्वेद का आधार की है? आयुर्वेद का आधार उस तरह वात पित्त और कफ, बलगम गर्मी तो वायु। हूँ जी तिने चीज़ा जी प्रकृति के हिसाब लीए तो उ रजो सतो तो तमो गुणी का भी जरा तिना का आधार बन जाता। वापित कफ, ये तिना का बिगाड़ जरा सब अवस्था च रहना, रोग की उत्पत्ति का ना होना, अगर सब अवस्था च नहीं रहा तो रोग का कारण बनता। इस तरह ये गल कह सकते हैं कि जिन्हें भी रोग ने यह वापित कफ में संक्रमण क्रिया कोई ऐसा रोग कह दें जी, ये जी एपिडर्मल है या कोई होर है संक्रमण क्रिया करता, जो फैल की बीमारी है वह पहले सब तो पहले अटैक आदि से करता। अटैक सब तो पहलों साढ़े शरीर से जो करेगा, ये वापित कफ जो संतुलित नहीं रहेंगे, असंतुलित हो जाएंगे, उस रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। आयुर्वेद हाँ देखो जी, आयुर्वेद जरा यह माँ है हर पैथी की, वह जे सैमरल हैनीमल लै होम्योपैथिक दे, उन्होंने भी इसे ही जड़िया बूटिया तो क्रूट ड्रग वगैरह तो आयुर्वेद तो किन्नीकरण के सूक्ष्मीकरण तरीके अपनी तो ऑक्सीजन का निर्माण किया। यूनानी वाले ने इसे ढंग में अपना के कि खिलते खून जो खून कह दें वापित कफ तो लई है, तो इन्हें खिलते खून ला के उन्होंने यूनानी पद्धति बनाती, यूनान के अपने ढंग में। इस तरह ही होम्योपैथिक जी है, एलोपैथिक जी है, यूनानी जी है, ये सारी आयुर्वेद उन्होंने माँ है। एलोपैथिक के साडे जिमें पुष्टिकरण किसी औषधि का करने, कोई अभी पसम बनानी है, रस क्रिया करनी है, उन्होंने किनवीकरण करा, पुचरीकरण करा, सूक्ष्मीकरण करा, फिर उस बाद शुद्धिकरण तो फिर दवाई तैयार करा। ये जड़िया मेटाबॉलिज बड़िया बरीक जड़ी अंश नहीं, जो दवाई बन जाती बरीकी जिनी सूक्ष्म क्रिया करा, ये रोगों का नाश नहीं सिर्फ करती, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत तरह पहले के रूप से काम करती है। जरा खराब करे, शरीर को खराब करे, एक रोग की उत्पत्ति होंगी है, रोग की उत्पत्ति ठीक करने दूसरे रोग की उत्पत्ति ना आ जाती है। जिवें एक मैं मामूली जी गल दसदा कि मलेरिया के लिए कुनीन देंगे ने, वह कुनीन जो मलेरिया लिए देंगे ने, कुनीन जी अखा के कई रोग जानता वगैरह पैदा कर दें है, लेकिन अभी उस जरा वा मलेरिया लिए मैं मलेरिया पैरासाइट उन्हें वेखते वेखते ठंड लगती है, अस स्फुटका दें, फटकड़ी दें, जो भी है यार गुदंती वगैरह दें, सदर संघन मट्टी दें, कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जोड़ा रोग जरा निर्मूलन जो भी निर्मूलन हो जाता है। एलोपैथिक दवाई इफेक्टिव जरूर है, तीव्र गति काम करने वाली, लेकिन
ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡੇਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਡੇਂਗੀ। ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਛਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੋਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਟ ਗਰਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਜ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਰਸ ਦਿਓ, ਤੁਲਸੀ ਦਿਓ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਆਦ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕੀੜੀ ਫਲ ਖਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੰਤੀ ਭਸਮ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਣਵੱਟੀ ਔਰ ਅਮਰਤਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਸ਼ਧੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪੱਧਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ? ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣੀ, ਲੱਤਾਂ ਖੁਸਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਵਾਸੀਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਸ਼ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਦਾ ਦੀ ਬਲੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਦੀ। ਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਡ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਕੁਠਾਰ ਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਿਸ਼ਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਠਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਠਾ ਔਰ ਕੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਿਓ ਦਿੱਤ ਰਸ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਢਾਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਲਸਣ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਸੀਸਾ ਦੀ ਤੇਲ ਦਾ ਲੇਪਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
अर्क का पत्ता लवो, अर्क का पत्ता लैके सिर्फ वह रस नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल पोले जे अपनी गुदा के नाल जिमें मल के मल रूपी चीज धोन तो बाद गुदा के फेर दौ बाबा शीर वह हट जाएगी। जे लै लवो घड़े की ठीकड़ी, लै लवो घड़े की ठीकड़ी लैके उस सात तारी कह के बाबा शीर हट जाए, मेरी बाबा शीर खूनी बोधी जाए, मेरी खूनी बाधी बाबा शीर जाए, इनू अगर स्पर्श करके सात तारी फेर के भेज दौ मतलब फेंक दौ कित बाबा शीर चली जाएगी। ये अमृता रिश्त ये वास्ते अभ्या रिश्त जिन्हों असी हरड़ का रिश्त कह दें यदा इस्तेमाल जरा बड़ा गुणकारी बिल्कुल जोड़ो निर्मूलन करने वाली चीज है। कई लोग बाबा सिर दे इंजेक्शन भी लगवाते हैं डॉक्टर साहब, की ओदे नाल इंजेक्शन लगवाने दे नाल बाबा सिर दूर हुंदी है? हाँ, पहले देखो जी इहदे विच हुंदा सी जे बदाम रोगन और ग्लैसरीन ते नाल इहदे विच पा देंदे आ फेनोल, इहदा इंजेक्शन असी जिहड़ा मोके का जिहड़ा पैक्स हुंदा सी जिहड़ा जिहनूं मतलब चालू हुंदा जिथों इक ते बेस है ना बेस जिहड़ा पैक जिहड़ा बेस जिथों चालू हुंदा मोका उस मौके की जड़ चाहिए इंजेक्शन दे दें जो मौका जरा, लेकिन वह साइड इफेक्ट बड़े से मोहरे साइड इफेक्ट इन्ने से जो अंदाजे को नहीं जलन होनी कई बार उत्थे अंकुर बन के कैंसर रूपी चीज बन जानी उत्थे वरण बन जाना होर बड़े रोगों का कष्ट का कारण बनता से। साढ़े आयुर्वेद एक तरीका एक होर है जिन्होंने कछार सूत्र करण कहते हैं जिन्होंने कह दें मेडिकेटेड अं एक धागा बनाने जोड़ा मौके उत्ते बन दें, यह नवी विधि नहीं ये पुरानी सुशरत महाराज की विधि है कि जे तुम घोड़े का वाल भी जोड़ा मौके के बिल्कुल किनारे बनते जितों मौका चालू होंगे वह बनने तो बाद पेन किलर वगैरह दवाइया दो, पेन किलर दूजिया नहीं कि जो पैरासीटामोल वगैरह नहीं कहते कि जिम्मे साडे च गुदंती है कपीलू है इन्हों चीज़ों का योग बना के अगर दिता जाए तो बिल्कुल साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे और रोग जरा बिल्कुल जुड़ो निर्मूलन हो जाता। डॉक्टर साहब एक होर बड़ी खतरनाक बीमारी है जिन्हों की चिकनगुनिया कहा गया है उसके बारे भी साड़ी दर्शक ने बहुत सोना प्रश्न किया। चिकनगुनिया का जरा साड़ी आयुर्वेद एक आम वात बीमारी है जिसका कारण होंगे वायु। चिकनगुनिया जी है वह आम वात का एक इन्होंने अपना लफे बना के चिकनगुनिया बना दिता जिसे तीव्र गति के बुखार से होना ही होना है शरीर के इतना वात रूपी वात के कारण इतनी वेदना होनी चालू हो जाती है शरीर च इन्नी दर्द होनी चालू हो जाती है जिसका अंदाजा कोई नहीं होता। ये सब तो बेहतरीन चीज़ है लसन का पेस्ट का इस्तेमाल करो, अदर करो, रासना की कुआत का इस्तेमाल करो, महायोग का करो, योगरा गुगल का करो, विश्वमुष्टि रस करो, कोई गर्म चीज़ा जड़िया ने ऐसा चीज़ा लवो लेकिन पित्त प्रदान करने वाली नहीं कि जड़िया पित्त का नाश करो नहीं जड़िया वायु का नाश कर उन्होंने चीज़ों का करो लेपन करो महानैन तेल है विशगर्म तेल है इन्हों का लेपन करो मालिश करो तो बड़ी मामूली जी बीमारी कोई ऐसी गल नहीं। सो डॉक्टर साहब तुसी साडे दर्शकां नूं की सुनेहा देना चाहोगे कि सानू अंग्रेजी दवाइयां नालों देखो जी मैं अपने दर्शकों नूं कुछ संदेशा देना चाहवांगा असी भारत वर्षी हाँ भारत की जिहड़ी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है जिहड़ी आंगल भाषा या आंगल जिहड़ी चिकित्सा पद्धति वगैरह का प्रयोग करना ये राष्ट्र के हित वास्ते नहीं ते ना ही कोई राष्ट्रवादी बंदा ऐसी सोच भी सकदा लेकिन हुण ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जेडे अपने बहुत वड्डे जेडे राष्ट्रवादी कहिंदे ने चाहे किसी भी पार्टी नाल संबंधित ने घरां विच अंग्रेजी बोलनी पंजाबी नहीं बोलनी हिंदी का सर्व सत्यानाश कर देना आज जो चिकित्सा पद्धति नूं लांभे करके आंगल लोग जेडे कि वह लोग चिट्टे गोरे दे चले गए हुण काले रंग दे जेडे गोरे ने ये अही लोग जेडे हिंदुस्तान च रहण वाले ये उन्होंने भाषा भी वरतते हैं और उन्होंने चिकित्सा पद्धति भी वरतते हैं शरीर का नाश तो करते ही करते हैं उन्होंने प्रचार भी आलो पैसे का कर रहे हैं और ये जी सेहत नहीं भी ठीक किसी गल ही ठीक नहीं योगा करो आयुर्वेद अपनाओ तो राष्ट्र हित लिए काम करो राष्ट्रवादी बनो मैं यही कहूँगा आयुर्वेद अपनाओ तो स्वस्थता हासिल करो प्राप्त करो। सो अज सेहत दे राखे प्रोग्राम दे विच डॉक्टर सुरेंद्र तारिफ शास्त्री जी दे कोलो असी आयुर्वेद दे बारे बहुत कुछ जानिया। सो कोई भी अगर डॉक्टर साहब दे नाल संपर्क करना चाहता है ते डॉक्टर साहब दे नंबर ते कॉन्टेक्ट कर सकता है डॉक्टर साहब नूं। डॉक्टर साहब दा नंबर है 9872673846। सो अगले प्रोग्राम दे विच असी सेहत दे राखे प्रोग्राम विच एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करांगे। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।